नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं और एक खास किस्म की क्लास लेकर के आया हूं जो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगी। मैं अब हर एक चैप्टर का आपको देने वाला हूं फ्लो चार्ट। ये आपकी मदद करेगा कम से कम समय में एक चैप्टर को बहुत ज्यादा देर तक रिटेन करने में। इसमें मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा, मैं आपको पूरे की पूरी जो आपकी स्टोरी है उसको फ्लो में बांध के रख दूंगा और वो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो सभी आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं मात्र 10 से 12 मिनट और आपका चैप्टर आपकी चुटकियों में होगा। चुटकियों का मतलब आप इसे पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। बिना समय बिताए आपका आज पहला चैप्टर करते हैं। हमारी जो फ्लेमिंगो की प्रोज है ना, जो हमारी किताब है फ्लेमिंगो, उसका जो प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो लिखा है अल्फोंसो लोटे ने और पढ़ाने वाले का नाम भी याद रखें आदित्य भैया है और आपको इसका फ्लो चार्ट मिलने वाला है। आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। आपको ये इतना अच्छा लगेगा ना सेशन कि आप लोग वेट करोगे आने वाले सेशंस का और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसको पढ़ने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई साहब कि आखिरकार इस चैप्टर का प्रोटेगोनिस्ट कौन है। प्रोटेगोनिस्ट यानी कि जो लीडिंग कैरेक्टर है, तो आपको पता है फ्रांस अपने आप में लीडिंग कैरेक्टर भी है और वही व्यक्ति यानी कि जो लीडिंग कैरेक्टर वही यहां पर नरेटर भी है, वही यहां पर बता भी रहा है आखिरकार क्या कहानी घटी थी, क्या कुछ हुआ था। आइए बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रूशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था जिसमें प्रूशिया जीत गई थी, फ्रांस हार गया था और एक ऑर्डर आया था कि भैया अब से जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी अल्सेज और लोरेन में और दो लैंग्वेजेस इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब से एक लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी जो इनकी मदर टंग थी, यानी कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। आइए अब फ्रांस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो मैंने यहां पॉइंटर्स में बांट रखा चीजों का, ये देखते हैं। सबसे पहले तो फियर ऑफ फ्रांस व्हाइल गोइंग टू स्कूल, आखिरकार उसके क्या डर थे जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, किस बात का डर था। पहली बात, लेट हो गया था स्कूल के लिए, उसको एक ये डर था और दूसरा अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग और तीसरी एक और बात कि भैया उसने तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल्स को। उसने क्या नहीं किया था, तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल्स को। यहीं पर लिख दूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं नंबर 3 करके, ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड, ही हैजंट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स, ठीक है ना। एक आधे पॉइंट में जानबूझ करके छोड़ देता हूं ताकि आपके सामने लिख सकूं। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या बात करेंगे हम, प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स, आखिरकार उसके दिमाग में क्या प्लान हो रहे थे कि यार चलो स्कूल नहीं जाते क्या करते हैं। उसके दिमाग में चल रहा था थॉट ऑफ रनिंग अवे कि भैया यहां से भाग जाते हैं एंड स्पेंडिंग डे आउटसाइड बिकॉज द डे वॉज ब्राइट एंड वार्म। ये सारे के सारे पॉइंटर्स है भाई साहब कि आपको लिखना है वहां पर जाकर के, क्योंकि दिन जो था सुहावना था, ब्राइट था, इसलिए उसको मन किया कि चलो भाग जाते हैं। दूसरा, Enjoyed birds chirping, जो चिड़ियों की चहचहाहट थी ना, चू 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 चू, उसको enjoy कर रहा था, उसका मन कर रहा था स्कूल नहीं जाते यार, ये सब देख करके रहते हैं। तीसरा, temptation to watch drilling of Prussian soldiers, temptation, उसका मन कर रहा था यार चलो इनकी जो लेफ्ट राइट लेफ्ट ये लोग जो कर रहे हैं ना अपनी ड्रिल उसको देख लेते हैं। लेकिन लास्ट में क्या किया उसने, overcame temptation and refused to school and rushed to school, यानी कि दौड़ता हुआ फिर अपने स्कूल की तरफ गया। ये आपका इतने मैसेज आने कितने माने आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। आप लोग अगर अच्छे बच्चे होंगे, आपने शुरुआत से पढ़ाई की होगी ना, तो आप इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे और बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी नॉर्मल बच्चों से जिसने इस सेशन को नहीं देखा होगा। आइए आगे बढ़ते, आगे देखिए, सीन एट टाउन हॉल। अब जब वो दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा है तभी वहां पर बीच में पड़ता है टाउन हॉल। टाउन हॉल में क्या होता है भाई, बुलेटिन बोर्ड वहां पर मिलता है। बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड एक जगह है जहां से बैड न्यूज मिलती। क्या लिखा है मैंने, सोर्स ऑफ बैड न्यूज। साथ के साथ आप देखो क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा है किसके सामने भैया, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड में क्या खबर थी ये भी जान लीजिए, बुलेटिन बोर्ड पर खबर यही थी, वहां पर लिखा हुआ था कि अब से जो अल्सेज और लोरेन है, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। आइए, जो वहां पे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, जो अल्सेज हैं, एक तो अल्सेज और दूसरा लोरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में क्या नहीं पढ़ाया जाएगा अब, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी अब, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा उसको मैं रेड से लिख देता हूं, और अब से यहां पर फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। ये एक शॉकिंग खबर थी इन सभी के लिए। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, स्कूल का क्या माहौल था, स्कूल में एक तो यूजुअली स्कूल में क्या होता था और आज क्या चेंजेस थे जो नोटिस किए थे फ्रांस ने। यूजुअली आप सभी जानते हैं कि भाई वहां पर हसल बसल होता रहता था, आवाजें होती थी, शोरगुल होता था, लेकिन और क्या होता था वहां पर, रिपीटेशन ऑफ लेसन इन यूनिसन, वहां पर टीचर्स बच्चे एक साथ ए एक कम ए एक, बच्चे भी बोल रहे हैं टीचर बोल रहे हैं ऐसे करके चलता रहता था, और नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, वहां पर आवाजें आती रहती थी, यूजुअल डेस्क की बात हो रही। अब आज क्या अलग उसने महसूस किया, आज उसने महसूस किया कि यार आज क्लास में साइलेंस है, सब शांत है, अजीब से क्या बोलते हैं कि सीरियसनेस फैली हुई है, स्ट्रेंजनेस है क्लास में। साथ के साथ आज अनहेमल ने अजीब से कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, ओकेजनल ड्रेस पहनी हुई है, क्लासमेट्स पहले से ही वहां पर बैठे, क्लासमेट्स वर ऑलरेडी देयर, काइंडनेस ऑफ अनहेमल। आज अनहेमल बोले प्यारे आओ बैठो आकर के, हम तुम्हारे बिना क्लासेस स्टार्ट करने वाले। अरे
ये तो वही है यार जो डांटा करता था, क्रैंकी था, रूलर था, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा, तो काइंडनेस भी एक नई चीज थी। साथ के साथ विलेजर्स ऑन द बैक बेंचेस, जो विलेजर्स अपना काम करते थे आज वो पीछे की सीटों पर बैठे थे, सीटें हमेशा खाली रहती थी। और देखते आगे, उसके बाद अब एम हेमल, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी एक तरीके की प्रोटोकॉल्स तो नहीं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये हमको सिखाते हैं कि कैसे अपनी लैंग्वेज को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आइए इनसे क्या क्या इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस टू स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या एड्रेस किया स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो इन्होंने लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच पढ़ाया बच्चों को, है ना, इनका लास्ट लेसन होने वाला था फ्रेंच का, इसके बाद ये नहीं पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। अगले दिन कौन आएगा, जर्मन का टीचर आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, इन्होंने बताया बच्चों को कि क्या इंपॉर्टेंस है मदर टंग की। फ्रांस फेल्ट सॉरी फॉर इग्नोरिंग हिज लेसंस, फ्रांस अब बुरा फील कर रहा है कि यार इनके लेसंस आखिरकार मैंने क्यों नहीं देखे। डीपली पेन्ड एट द थॉट ऑफ एम हेमल्स गोइंग अवे, सभी लोग दुखी हैं कि यार एम हेमल जा रहे हैं। इसको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, परेशान मत हो, लास्ट में बताऊंगा। और एम हेमल टीचर्स हिज लास्ट लेसन, यहां पर क्या बताते हैं, कॉज द फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज एंड मोस्ट क्लियर लैंग्वेज। आप लोग याद रखोगे मोस्ट लॉजिकल मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आपके पेपर बहुत बार आया। और क्या बोला उन्होंने, वॉन्ट्स टू टीच देम एवरीथिंग इन वन गो, वो चाहते हैं कि हम सब कुछ इनको एक बार पढ़ा दें क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा, सब पढ़ा डालते हैं, वो ऐसा चाहते हैं, बच्चों को सिखा देना चाहते हैं। आगे इसी बात क्या है, एमएमएस डेडिकेशन, डेडिकेशन देख रहे हो, अगला 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, सर्व स्कूल फॉर 40 और 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा डेडिकेशन है। नथिंग हैज चेंज, कुछ बदलाव नहीं हुआ आज तक, केवल जो डेस्क है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गई है, थोड़ा सा चिकनी हो गई है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और क्या होता है इसके बाद, स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट कहां पर अटेंशन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे आज बिहेव कर रहे हैं, आज स्टूडेंट सब कुछ समझ रहे हैं। फ्रांस भी आज सब कुछ समझ पाया था, आज से ज्यादा अच्छे से कभी उसको समझ में नहीं आया था। स्टूडेंट्स अटेंशन में आप देखोगे सेट टू वर्क वेरी क्विकली, आज सभी के सभी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, बिल्कुल शांति से सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। साथ के साथ भले बीटल्स आए कमरे में लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है इतने। और क्या रहेगा भैया, विलेजर्स ट्रिब्यूट टू एमएमएल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, विलेजर्स ने क्या ट्रिब्यूट दिया है एमएमएल को, ये ट्रिब्यूट दिया है कि वो लोग गैदर्ड इन बैक बेंचेस ऑफ क्लास, वो सबके सब आ गए बैक बेंचेस बैठने, आखिरकार इतने सालों से जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, और ये लोग बुरा भी फील कर रहे हैं क्योंकि देखो रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पछतावा, पछतावा फील कर रहे हैं कि इन्होंने पहले क्लासेस अटेंड नहीं की, इन्होंने अपनी कभी मदर टंग को, अपनी मदर लैंग्वेज को कभी उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, आज इनको बुरा लग रहा है। साथ के साथ थैंक द टीचर फॉर 40 ईयर सर्विस, और उनको थैंक कर रहे हैं कि आपने 40 सालों तक पढ़ाया। साथ के साथ फीलिंग इमोशनल एंड सैड, और कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनल और सैड फील कर रहे हैं। इतने में आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ऐसे ही मैं और भी सेशंस लेकर के आऊंगा, बस मैं चाहता हूं कि आपका रिस्पांस यहां पर खूब तगड़ा होना चाहिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा इसको लिखने में, दिमाग लगाने में। अल्टीमेटली मैं चाहूं तो समरी भी ला सकता हूं जो लिखी होगी, लेकिन मैं आपके लिए पॉइंटर्स लेकर के आ रहा हूं। और अगर तुम्हें कोई समस्या, कोई क्वेरी है, फ्री पीडीएफ चाहिए अगर तुम्हें इंग्लिश की, बिल्कुल फ्री पीडीएफ, तो तुम्हें क्या करना है, ये है मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, इस पर अपना नाम, अपनी स्ट्रीम, अपनी क्लास बता देना, अपना नाम, अपनी स्ट्रीम, अपनी क्लास और अपना कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप का या फिर टेलीग्राम का, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड कैन गिव यू ऑल दी फ्री पीडीएफ ऑफ इंग्लिश। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपके आदित्य भैया आपसे लेते हैं अलविदा, जय हिंद।